सबसे बड़ी खबर, उदयपुर के ओड़ा में रेलवे ब्रिज पर ब्लास्ट करने के मामले में एटीएस ने गुरुवार को बड़ा खुलासा किया। एटीएस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनको उदयपुर के एकलिंगपुरा गांव से पकड़ा गया है। साजिश में इनके साथ और कौन शामिल था उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। एटीएस ने दावा किया, अब तक की पूछताछ में आरोपियों ने जमीन अधिग्रहण का पैसा नहीं मिलने को लेकर ब्लास्ट करने की योजना बनाई। एटीएस एसओजी नक्सली घटना के एंगल से भी जांच कर रही थी, लेकिन अब पूरा मामला ही बदल गया है। स्थानीय लोग रेलवे ब्रिज बनने के समय जमीन अधिग्रहण का पैसा नहीं मिलने से नाराज थे। एटीएस एसओजी एडीजी अशोक राठौड़ ने गुरुवार शाम को जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्लास्ट मामले में गिरफ्तारी की जानकारी दी। उन्होंने कहा, फूलचंद, विष्णु और प्रकाश को पकड़ा गया है। तीनों उदयपुर के जावर माइंस के एकलिंगपुरा के रहने वाले हैं। अभी तक की पूछताछ में आरोपियों ने कहा है कि उनका उद्देश्य जनहानि का नहीं था। डूंगरपुर में मिली जिलेटिन की छड़ का इस घटना से कोई कनेक्शन नहीं है। ट्रेन निकलने के बाद लगाया विस्फोटक। एडीजी राठौड़ ने बताया कि आरोपियों ने ट्रेन निकलने के बाद विस्फोटक लगाया था। इससे साफ होता है कि जनहानि की मंशा नहीं थी। विस्फोटक लगाने के बाद तीनों बाइक से निकल गए थे। ब्लास्ट के लिए विस्फोटक धोल की पार्टी इलाके में फतेहलाल सुहालका से लिया गया था। सिर्फ सरकारी सिस्टम का ध्यान आकर्षित करने के लिए साजिश रची गई थी। जानकारी के अनुसार 12 नवंबर शनिवार की रात करीब 11 बजे उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन पर बने ट्रैक पर अज्ञात लोगों ने ब्लास्ट कर दिया। इससे पटरियों पर क्रैक आ गया, मौके पर बारूद भी मिला है। बदमाशों की साजिश पुल को उड़ाने की थी। धमाके से 4 घंटे पहले ही इस ट्रैक से ट्रेन गुजरी थी। घटना के बाद अहमदाबाद से उदयपुर आ रही ट्रेन को डूंगरपुर में रोक दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को ही इस लाइन का लोकार्पण किया था। पूछताछ में सामने आया है कि तीनों युवकों की उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन के पास जमीन थी। ट्रैक बनाने के लिए तीनों की जमीन का अधिग्रहण हुआ था। इस दौरान इन्हें मुआवजा भी कम मिला था। इसी के बाद से ये नाराज चल रहे थे। इसका बदला लेने के लिए तीनों ने ट्रैक उड़ाने की साजिश रची। इस घटना के बाद से तीनों आरोपी मोबाइल बंद कर उदयपुर के सवीना में छिपे थे। इधर शहर में G20 सम्मेलन को लेकर पुलिस ने सख्तियां और बढ़ा दी हैं। शहर की चाक चौबंद व्यवस्था को लेकर जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ASP चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि G20 शिखर सम्मेलन को शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर टीमें मुस्तैदी के साथ काम कर रही हैं। शहर के प्रमुख चौराहों पर नाकाबंदी के साथ वाहनों की सघनता के साथ जांच की जा रही है। साथ ही संवेदनशील इलाके जैसे बाजार, मॉल, पर्यटक स्थल और चौराहों पर विशेष जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ ही आपराधिक गतिविधियां करने वाले बदमाशों पर भी पुलिस की कड़ी नजर रखी जा रही है। साथ ही देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो, उसके लिए भी प्रयास जारी है। ASP चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ऑटो ड्राइवर और किराएदार निशाने पर हैं। इसके लिए अब तक 5,000 किराएदारों के वेरिफिकेशन हो चुके हैं, जबकि शहर में बगैर लाइसेंस के करीब 300 ऑटो रिक्शा चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई, ताकि शहर में किसी भी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को कोई भेद ना पाए। इधर शहर में CCTV कैमरे की नजरें बढ़ा दी है, जबकि रात को प्रकाश व्यवस्था के भी उचित इंतजाम किए जा रहे हैं। यही नहीं, आदतन अपराधियों को पकड़ने के लिए HS हार्डकोर व नशेड़ियों की धरपकड़ जारी है। आपराधिक घटना रोकने के लिए नशेड़ियों को चिन्हित किया जा रहा है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था को सेंध न लग जाए। सुनिए क्या कहना है ASP चंद्रशील ठाकुर का। देखिए, अभी जो हमारे यहाँ उदयपुर शहर में G20 समिट होने वाली है, तो उसको देखते हुए हम लगातार सुरक्षा को लेके बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नाकेबंदी चल रही है, विभिन्न पॉइंट्स पर लगातार नाकेबंदी चल रही है। जो BDS टीम्स हैं जोन की, उसके साथ हमारी पुलिस टीम्स मिलकर जो भी सेंसिटिव प्लेसेस हैं, जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं, मॉल्स हैं, होटल्स हैं, जो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशंस हैं, बाजार हैं, इन सब की लगातार चेकिंग कर रहे हैं। पर्यटक स्थल हैं, वहाँ भी चेकिंग कर रहे हैं। सुरक्षा को लेके जो ऑटो ड्राइवर्स हैं उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं, जो किराएदार रहते हैं उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं, जो भी किराएदार बाहर से प्रॉपरली उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं। सारी टीम्स इसमें लगी हुई हैं और हमने करीब 5,000 किराएदारों का वेरिफिकेशन लास्ट 2 डेज में किया है।
मावली थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत बोरना के राजस्व ग्राम आसोलिया की मादड़ी में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने महिला को लूट लिया। बदमाश रास्ता पूछने के बहाने रुके और लूटपाट कर फरार हो गए। जानकारी अनुसार गंगा कुंवर धर्मपत्नी स्वर्गीय नारायण सिंह निवासी आसोलिया की मादड़ी सुबह करीब 9 बजे अपने खेत पर जा रही थी कि सापेड़ा के रास्ते में बाइक सवार ने रास्ता पूछने के बहाने रोक दिया। इस दौरान महिला के गले से मादलिया व कानों के टॉप्स लूटकर फरार हो गए। राहगीरों व सरपंच जीवन सिंह राव की सूचना पर मावली थाने से जाप्ता मौके पर पहुंचा और बुजुर्ग गंगा कंवर का हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए मावली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया। इधर पुलिस ने बदमाशों की पकड़ करने के लिए नाकाबंदी की लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। शहर के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर भगवती लाल व्यास का गुरुवार को निधन हो गया। मूलतः गिलोन निवासी व्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता रहे हैं। वे राजस्थान विद्यापीठ के लोकमान्य तिलक बीएड कॉलेज में प्राध्यापक और वहीं पर प्रिंसिपल भी रहे। उनकी कलम बचपन से ही गद्य व पद्य में समानांतर रूप से चलती रही। अनहरनाथ जैसी पुरस्कृत कृतियों के अलावा राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल, राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्था के पाठ्य पुस्तकों का लेखन भी उनके द्वारा हुआ है। गुरुवार 2 बजे बाद उनका बोहरा गणेश जी स्थित घर से आयर शमशान घाट ले जाया गया जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ। शहर के भुवाणा स्थित इलाके में पानी की टंकी में किसी अज्ञात व्यक्ति ने केमिकल मिला दी। जलदाय विभाग का कर्मचारी वहां पर पहुंचा तो टंकी में केमिकल मिलाने की बात पता चली। ऐसे में तुरंत कार्रवाई करते हुए पानी की सप्लाई रुकवा दी गई। सप्लाई से पहले एक बार टंकी को साफ करवाने की बात कही जा रही है। जलदाय विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि पानी में क्या केमिकल मिलाया गया है इस बात की पुष्टि के लिए इसे जांच के लिए आगे भेजा जाएगा। आपको बता दें कि उदयपुर में पेयजल टंकियों की सुरक्षा के लिए कुछ खास ठोस प्रबंध नजर नहीं आते हैं। ऐसे में समाज कंटकों और अपराधियों द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। राजस्थान NHM प्रबंधकीय कर्मचारी महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महासंघ जिला अध्यक्ष निवेदिता जोशी ने बताया कि हमें इस बार सरकार से नियमित करने की आस थी लेकिन नए संविदा नियमों से हमारे अनुभव को शून्य करते हुए दोबारा संविदा पर लिया जा रहा है। ये हमारे साथ अन्याय है। प्रावधान में हमारा 10 से 15 साल तक का अनुभव नहीं जोड़ा जा रहा। इतने समय सेवाएं देने का ये तोहफा मिला है। सरकार ने हमें नियमित करने का वादा किया था लेकिन जो आदेश हाल ही आया है उसमें नियमित शब्द कहीं नहीं लिखा है। कोरोना के समय हमने पूरी मुस्तैदी से काम किया, हमारा वेतन भी नहीं बढ़ाया गया। ऐसे में हम ठगे सा महसूस कर रहे हैं। कर्मचारियों ने बताया कि सरकार ने अगर जल्द हमारी मांगे नहीं मानी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि इन कार्मिकों के प्रोजेक्ट मैनेजर, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, फिजियोथेरेपिस्ट, आयुष चिकित्सक, अकाउंट मैनेजर, ब्लॉक आशा समन्वयक सुपरवाइजर आदि शामिल हैं। उदयपुर कलेक्टर ताराचंद मीणा ने जिले भर से आए परिवादियों के अभाव अभियोग सुने। उन्होंने जनसुनवाई के दौरान आने वालों की समस्याओं का हाथों हाथ निस्तारण किया। जिले के SDM और अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी VC के माध्यम से जुड़े। बताया जा रहा है कि जनसुनवाई के दौरान संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट भी पहुंच गए। बॉलीवुड एक्टर देव मेनारिया दबंग पुलिस अधिकारी के रोल में नजर आएंगे। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मुग्धा गोडसे और TV स्टार कांची सिंह इस वेब सीरीज साजिश द कॉन्स्पिरेसी में देव के साथ नजर आएंगे। एक्टर देव मेनारिया का कहना है कि इस वेब सीरीज की स्टोरी रियल लाइफ से प्रेरित है। यह न सिर्फ एक बेहतरीन स्टोरी है बल्कि युवाओं के लिए एक मैसेज भी है कि कैसे वे इन बुरे रास्तों से खुद को बचा सकते हैं और अपने जीवन में नई बुलंदियों को हासिल कर सकते हैं। देव मेनारिया इस सीरीज में एक दबंग पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभा रहे हैं। बता दें कि देव ने अपने जीवन में इस स्थान तक पहुंचने के लिए काफी संघर्ष किया है। वह बॉलीवुड के विख्यात अभिनेताओं रजा मुराद, मुश्ताक खान, मुग्धा गोडसे, मिलिंद गुणाजी के साथ काम कर चुके हैं। इस क्राइम वेब सीरीज की शूटिंग भोपाल और बड़ौदा गुजरात में हुई है। अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ को लेकर जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस की टीम एवं DSP की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने गश्त के दौरान लखावली NH-27 पर पिता पुत्र को 4 किलो 500 ग्राम मादक पदार्थ रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। ASP चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शर्मा के नेतृत्व में जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत थाना सुखेर व DSP की टीम एक सफेद रंग की कार में 4 किलो 500 ग्राम चरस बरामद किया है।
इस मामले में जोड़ियों की ओल निवासी चंद्रशेखर पुत्र अंबालाल सोनी और उसके 20 वर्षीय पुत्र गौरव सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।